2013 का पेपर थ्री है ये क्वेश्चन वन मैनेजर एंटरप्राइज वॉज गिवन बाय आर मैरिस सेकेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द दिन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग देखो लीनियर प्रोग्रामिंग जॉर्ज आज ने दिया था और उसमें क्या होता है ना आउटपुट और इनपुट दोनों के जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट होते हैं आउटपुट इनपुट के प्राइजेस कांस्टेंट होते हैं और ऑल्सो कॉफिशेंट uh, का भी प्राइजेस जो है कांस्टेंट रहेंगे ठीक है और टेक्नोलॉजी जो होता है वो फिक्स्ड फिक्स प्रपोर्शन में होती है ठीक तो है तो फिक्स्ड फिक्स्ड फैक्टर प्रपोर्शन होते हैं थर्ड क्वेश्चन फॉल्स विजी के मॉडल में ओलिगोपोली के मॉडल में किंग डिमांड कर्व ठीक है द पॉइंट ऑफ किंग रिप्रेजेंट किंग पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी और प्राइस प्राइजरी दोनों को तो सी इज द आंसर अब आपको मैचिंग करना है ऑफर कर, कर किसने दिया था ऑफर कर को हम लोग रेसिप्रोकल डिमांड भी बोलते हैं है ना उसको दिया था एजवर्थन मार्शल ने लैफर कर्व लैफर कर्व जो होता है टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप बताता है तो पब्लिक रिवेन्यू से मैच करोगे आप ठीक है और लैफर कर्व किसने दिया था आर्थर लैफर लॉरेंस कर्व लॉरेंस कर्व रिलेशनशिप बताता है आपका पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बीच में इन क्वालिटी ऑफ इनकम भी बोल सकते हो उसको ठीक है तो वो किसने दिया था लॉरेंस मैक्स ओ लॉरेंस ने ठीक है और आपका किंग डिमांड कर्फ दिया था पॉल स्विज़ी ने वो क्या बताता है स्टिकी प्राइसेस के बारे में ठीक है द आंसर नेक्स्ट मैचिंग है आपका अगेन टेक्निकल मोनोपोली टेक्निकल जहां पे आ रहे हैं वो को कोला से मैच करोगे आप ग्लोबल मार्केट कोलर सिल्वर का हमारा ग्लोबल मार्केट होता है लीगल मोनोपोली लीगल ये पेटेंट राइट right है ना कॉपीराइट uh, वगैरह ये सब लीगल मोनोपोली है कि किसी एक है और लीगल होती है ठीक है तो आप इसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते किसी का देन ओलिगोपॉली ओलिगोपॉली कार्टल ठीक है अजर्शन रीजन कंज्यूमर सरप्लस के बारे में ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल दिस इज करेक्ट ठीक है एक वीडियो बनाया था मैंने इसके ऊपर और रीजन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि अगर तो प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो तो कम हो जाएगा अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर का सरप्लस जो है इंक्रीज हो जाएगा तो बोथ एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन सेवेंथ भी एजर्शन रीजन है तो इसमें पूछ रहा है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड देखो यू शेप्ड क्या होती है ना यू शेप आपकी शॉर्ट रन में होती है लॉन्ग रन में या तो एल शेप होगा या सॉसर शेप में होगा ठीक है ठीक तो है रीजन क्या है द न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इन द लॉन्ग रन जो नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है जो नई मशीनरी वगैरह है लॉन्ग रन में ना आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो उसको तो कम कर देती है लॉन्ग होती है इसकी वजह से हमारा ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शेप्ड ठीक है तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा क्या क्या ठीक है तो इंडिफरेंस कर्व जैसा कि आपको पता है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट वाला ठीक है सेकंड वाला गलत है बिकॉज राइट टू लेफ्ट बोल रहे है, गलत है ठीक है थर्ड भी ठीक है इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ऑरिजन ठीक है और लास्ट भी ठीक है इंडिफरेंस नेवर इंटरसेक्ट ईच ठीक है नाइन्थ अ मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इज इन फ्यूअर पीरियड वेन मार्जिन प्रोपेसिटी टू कंज्यूम इज स्मॉलर ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव वेन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रेंटल कॉस्ट या फिर यूजर कॉस्ट भी बोलते हो आप इसको ठीक है तो जब ये इक्वल होती है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के तो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव अगर तो इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है पोटेंशियल जी डी पे पे ठीक है तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई विलीड टू तो अगर uh, इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा जब इकोनॉमी पोटेंशियल जीडीपी है जीडीपी पे, पे है तो फिर होगा डिमांड साइड इन्फ्लेशन डिमांड साइड इन्फ्लेशन जो है वो दो फैक्टर की वजह से होती है या तो मोनिट्री या फिर तो रियल फैक्टर ठीक है जब मोनिट्री की बात हो रही है तो वहां पर मनी सप्लाई की ही बात आती है इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता है तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है जब आप रियल फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो आई में शिफ्ट आता है आई में अपवर शिफ्ट आता है ड्यू टू तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा ठीक है तो एक्चुअली हो रहा क्या है जब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हो तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है ना दिस इज इंक्रीजिंग तो यहाँ पे आ जाती है बात कंजम्पशन की इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो कि ग्रेटर होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एट करेंट प्राइसेस से ठीक है तो आपने बस ये याद रखना जहाँ पे इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो रहा है तो फिर इससे क्या होगा डिमांड साइड इन्फ्लेशन अभी बात करते हैं स्टैग फिनिश की तो इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा स्टैग stag. स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ रुका हुआ रुका क्या होता है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी स्टैग फ्लेशन में हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टैगनेंट होता है तो इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है स्टैग फ्लेशन में अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशन ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं स्टैक फ्लेशन में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ऑर्थोडॉक्स या फिर अर्ली अर्लीजन थ्री एंड फोर आर करेक्ट फर्स्ट वन इंटरेस्ट इंटरेस्टिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई ठीक है थर्ड वाला चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव इफेक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लास्ट डिमांड फॉर मनी इज अनस्टेबल थर्टींथ क्वेश्चन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है वही बताना है आपको बाकी तीन ठीक है देखो ठीक वाली देखो आई एस इज स्टीपर

कौन सी कौन से स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है आपका उसमें क्या है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई मोर क्विकली डस इंक्रीज इन मनी सप्लाई ठीक है तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं तो ये एग्रीगेट सप्लाई को ज्यादा जल्दी अफेक्ट करता है किससे तो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई से सेकेंड वाला भी चीख है एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन रियल आउटपुट वन एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल जो इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड का ठीक है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता रियल आउटपुट के ऊपर जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का क्या है वर्टिकल होता है बाकी दो गलत है ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन देखते फिफ्टीन क्वेश्चन में आपको मैचिंग करना है फिर से ठीक है तो स्टाइल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया था कार्डर ने एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडलेशन एस फेमलर क्वेश्चन एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सीक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेन फॉर विच ऑफ दिटर्मिनेट्स ऑफ ग्रोथ दट सोलो मॉडल डे नॉट एक्सप्लेन तो ये पूछ रहा है कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी ने क्या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी जो सोलो मॉडल फेल हो गया था प्रोवाइड करने में देखो सोलो मॉडल एक्सोडोज ग्रोथ मॉडल है एंडोजीनियस जो है उसके ऊपर एडिशन मतलब उसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट किया गया वो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी था ठीक है तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी बात करती है टेक्निकल प्रोग्रेस की लेबर ग्रोथ की और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट सेवनटीन क्वेश्चन देखिए आप एम पी आई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज अ न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड इन एम जो नया इंडेक्स है वो किस में इंक्लूड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ठीक है तो एम में हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी सारी चीज़ें आती हैं उसमें दस चीज़ें आती हैं जैसे कि न्यूट्रिशन मोडालिटी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चिल्ड्रन एंड लोड इन द स्कूल टाइप ऑफ कुकिंग फ्यूल है ना टॉयलेट वाटर इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स ऑफ फ्लोर एसेट्स ये सब आता है ठीक है एम में ये कब आया था टू में क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें पूछ रहा है वट इज द बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर इंपॉर्टेंट है पर कैपिटल डिस्पोजेबल इनकम क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें बोल रहा है कि इलेवन फाइव ईयर प्लान के कौन से ईयर में हमारा हाईस्ट जीटीपी ग्रोथ रेट था अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं फिर भी आप आंसर जान लो इसका टू थाउजेंड सेवन से एट के बीच में ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोल रहा है कि वट इज द मेन पर्पज ऑफ यू एन ई पी मेन पर्पज है यू एन ई पी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्वेंटी वन एफ सी आई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं फूड ग्रेन्स है ना तो फोर्थ ग्रेन इंडिया आर कर्नलाइज बाय एफ सी आई ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है ठीक है इसका आंसर आप जान लीजिए फाइव परसेंट अभी के लिए ये काम का नहीं है तो मैं पूरा नहीं बता रही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो आप ठीक है तो बोल रहा है किसकी इकोनॉमिक्स थ्योरी में माल्थस की जो थ्योरी है उसको बेस लिया गया है कीन्स ने जो माल्थस की थ्योरी को है बेस लिया था तो माल्थस ने क्या बात की थी माल्थस ने बोला था कि डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ठीक है वो बोलता है कि डिफिशेंसी जो है एक इफेक्टिव डिमांड की उसकी वजह से क्या है एम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो रही है ठीक है ये तो उसने बताया था मगर उसका रीजन वो नहीं बता पाया था जो कि हमारे कीन्स ने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल साइड में ग्राफिक देख सकते हो पहले बूम आता है बूम इज काइंड ऑफ एक्सपेंशन रिसेशन जब हम लोग नीचे जा रहे हैं डिप्रेशन जब नीचे पहुंच गए हैं ठीक है और उसके बाद हमारा रिकवरी जब हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं फिर अगेन बूम आता है इस तरह से ठीक है तो लास्ट वाला है रिकवरी एक्सपेंशन रिसेशन एंड डिप्रेशन 25 में देखिए टीएफपी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग एलेवेंथ प्लान इन इंडिया इंक्रीज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एलेवंथ प्लान के टाइम पर बढ़ गई थी ट्वेंटी देखिए इनकम एलासिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज लेस देन वन ट्वेंटी देखो अपना खेत अपना काम ठीक है तो ये एक नई स्कीम थी मनरेगा के अंदर ये इनिशिएट कहाँ पे की गई थी राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्राइस तो प्राइस सीजर्स किसको बोलते हैं प्राइस सीजर में क्या होता है ना हमारा इंडस्ट्रियल गुड और एग्रीकल्चर गुड की बात हो रही होती है ठीक तो इसमें हमारा क्या होता है ना इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इंक्रीजिंग होते हैं और एग्रीकल्चर गुड्स जो है डिक्रीजिंग होते हैं ठीक है ठेके? ियल गुड इन टर्मस एग्रीकल्चरल देखो येलो रेवोल्यूशन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन की सही है वाइट रेवोल्यूशन ने इंक्रीज कर दी थी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की भी सही है मगर रेट नहीं हो रहे ना तो फिर बी इज द राइट आंसर ए इज एन आर ट्रो बट आर इज नॉट दिनेशन ऑफ एडी क्वेश्चन देखो द इमीडिएट कॉज ऑफ कॉलेब्स ऑफ ब्रिटेन वॉज ऑल ऑफ दिज The expectation that the US would soon be forced to devalue the dollar. Next, the massive flight of liquid capital from the US. Then, uh, the attempt by three small European central banks to convert part of their dollar holdings into gold at the Fed. Question number 31. In case of fixed exchange rate regime, adjustment in balance of payment takes place through changes in the price level. ठीक है हमारा केस होता है फिक्स एक्सचेंज रेट का तो एडजस्टमेंट जो होती है प्राइस बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कैसे होती है इट हैपन्स थ्रू चेंजेस इन द प्राइस लेवल क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी टू में आपसे पूछ रहा है स्पॉट फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन स्पॉट नाम से समझ में आ रहा है ऑन द स्पॉट मतलब कि जहां पे आपकी जो पेमेंट है वो विद इन वन और टू डेज हो जाती है ठीक है तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि द परचेज ऑफ और सेल ऑफ फॉरन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी विद इन टू बिजनेस डेज ठीक है अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा फॉरन एक्सचेंज किसको बोलते हैं फॉरन एक्सचेंज नहीं हमारा फॉरवर्ड uh, एक रहता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन वाला तो उसमें क्या होता है कि आप आज तो कुछ खरीद लेते हो मतलब आज के प्राइस पे आप सेट कर देते हो कि आज के प्राइस पे मैं ये चीज लूंगा एक uh, मतलब पे जैसे आज मैं एक, uh, एक कार देखने गई मैंने कहा कि आज का इसका प्राइस इतना है और इसी प्राइस पे मैं न्यू ईयर पे लूंगी भले इसका प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए मेरे को इसी प्राइस पर जाइए आप डील कर लेते हो ठीक है तो वो फॉरेन एक्सचेंज प्राइस होते हैं ठीक है तो अभी आप थर्टी थर्ड क्वेश्चन देखिए रिगार्डिंग एम एफ एन एफ एम एफ एन क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज आपको करेक्ट बताना है ठीक है तो डब्ल्यू ट्यू के अंडर आता है ये हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज तो इसमें क्या होता है ना कि जितना भी जो भी हम जो भी दो नेशंस ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है ठीक है मतलब इक्वल ट्रेड एडवांटेजेस मतलब कि अगर तो आ, लो टैरिफ मतलब लो टैरिफ हो गया दोनों के लिए ऐसे ही रहेगा ठीक है हाई इंपोर्ट है ना हाई इंपोर्ट क्वार्टज इस तरह से तो सारे जो नेशंस होते हैं उनको क्या होता है इक्वल ट्रीटमेंट एम के अंडर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग हैमिल्टन लिस्ट इंडियन इंडस्ट्री मार्शल लर्नर ने इलाटी अप्रोच दिया था एचवर्थ इम्प्रोवाइजिंग ग्रोथ जाकॉ विनर ट्रेड क्रिएशन डाइवर्सिफिक डाइवर्जन इफेक्ट थर्टी फाइव क्वेश्चन देखिए अंडर अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटीज इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू फर्स्ट वाला है स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट तो हमारा ये जो मॉनेटरी फ्लोटिंग एक्सचेंज है तो ये क्या करता है ये इंटरवीन करता है नेशंस की मॉनेटरी अथॉरिटीज में ठीक है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्यों इंटरवीन करता है ताकि वो स्मूद आउट कर सके फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट और वो भी शॉर्ट रन की ही बात है मूविंग टू फार फ्रॉम परवाइव्ड फंडामेंटल वैल्यू परसीव्ड फंडामेंटल वैल्यू ठीक है थर्टी सिक्स देखो अभी इसमें बोल रहा है कौन से कौन से रिलेट करते हैं ऑप्टिमम करेंसी एरिया से ऑप्टिमम करेंसी एरिया मुंडेल ने दिया था सारे ही सही हैं ऑप्टिमल जोग्राफिकल एरिया फॉर अ सिंगल करेंसी ठीक है देन ऑप्टिमल ज्योग्राफिकल एरिया फॉर सेवरल करेंसीज एक्सचेंज हुचेंज आर रिलेटिवली पेग्ड ठीक है पहले में आपने देखा कि ज्योग्राफिकल एरिया फॉर सिंगल करेंसी वो भी ठीक है नेक्स्ट में आपने क्या देखा सेवरल करेंसीज ठीक है जिनके एक्सचेंज रेट आर रिलेटिवली पैक्ड थर्ड वाला भी सही है सिंगल करेंसी और द पैक्ड करेंसीज फ्लक्चुएट ज्वाइंटली विस अदर करेंसीज ठीक है अब तो सारी ठीक है सिंगल हो गई हमारी पैक्ड हो गई है ना सिवरल करेंसीज एंड देन ये वाला करेंसीज फ्लक्चुएट ठीक है सारी ठीक है